सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, ये आपका सीजीपीएससी सी सेट 2022-23 का जो पेपर था उसका एक क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। सी सेट का क्वेश्चन पेपर है, इसका सॉल्यूशन जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको अमेंडमेंट आंसर बताऊंगा क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन भी हम ओरली देखेंगे सिंपल से। जैसे कि देखिए, बार चार्ट दिया गया था, तो इसमें आपको बताना था कि टेलीविजन सेटों की बिक्री जो है उससे संबंधित। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है सेट डी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये पेपर जो है आपका सीजीपीएससी का सेट सी है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन पेपर सेट है वो डी है। ये तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन विलोपित कर दिया गया है सीजीपीएससी के द्वारा, दूसरा क्वेश्चन भी विलोपित कर दिया गया था सीजीपीएससी के द्वारा। शायद इन क्वेश्चन में कुछ गलतियां थी इस कारण। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या था। देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो था आपका, तीसरा से लेकर पांचवा तक, ये आपके पाई चार्ट पे आधारित क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए, जीव विज्ञान, गणित, इतिहास, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, इनके यहाँ पे नंबर जो है कुल संख्या है, लेक्चरों की संख्या है 800 संख्या है, इसे बताया गया परसेंट में। तो इसमें देखिए, जो क्वेश्चन थे आपके, तो अंग्रेजी और इतिहास में महिला लेक्चरों की संख्या में क्या अंतर है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 48। ऑप्शन नंबर बी का आंसर लिया गया है सीजीपीएससी के द्वारा। याद रखिएगा, क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन का वीडियो हम अगला वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम पूरा क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप भी अपना जो आंसर है इसको मार्क कर सकते हैं। ये अंतिम आंसर है अमेंडमेंट आंसर का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 था, देखिए, विश्वविद्यालय के किसी समारोह में केवल गणित और जीव विज्ञान के लेक्चरों को सम्मिलित होना। इस समारोह में गणित के पुरुष लेक्चरों की संख्या जीव विज्ञान के पुरुष लेक्चरों की संख्या के अनुपात से क्या कीजिए, तो 7:3 है इसका आंसर। इसी प्रकार फिर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी समारोह में केवल रसायन विज्ञान और इतिहास के लेक्चर को सम्मिलित होना है। इस समारोह में रसायन विज्ञान में महिला लेक्चरों की संख्या इतिहास में पुरुष लेक्चरों की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी लिया गया है 66.3%। तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन पेपर नहीं है और आप क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आवृत्ति दी गई है। आवृत्ति बहुभुज एक बल्लेबाज द्वारा विभिन्न वर्षों में सफलता दर को दर्शाता है, तो किसी बल्लेबाज के सफलता दर को दर्शाया गया है आवृत्ति से। फिर क्वेश्चन था इसमें, वर्ष 2016, 18, 20 और 21 में औसत असफलता दर क्या थी, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका 37%। अगले जब हम वीडियो में जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे क्यों ये आंसर आया। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई है श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, तो ऑप्शन नंबर बी 1173। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ए एक काम को 3/5 और 14 दिन में करता है, इसके बाद बी उसी में जुड़ जाता है और दोनों मिलकर बकाया काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है, तो आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए 42 दिन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती एक ट्रेन एक व्यक्ति को 24 सेकेंड में पार कर जाती है, तो यही ट्रेन दूसरी रुकी हुई ट्रेन जिसकी लंबाई पहली से 40% अधिक है को कितने समय में पार करेगी, तो ऑप्शन नंबर सी 57.6 सेकेंड। देखिए, इन क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आएगा कि सीजीपीएससी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, और इस बार जो है 2022 में जो 22-23 का एग्जाम हुआ था उसमें एक नया तरीके का क्वेश्चन पूछा था जो इस प्रकार के क्वेश्चन थे। निम्न में से किस आकार समूह को मिलाकर नीचे दिए गए आकार को बनाया जा सकता है, तो आकार बनाने वाली जो है यहाँ पे क्वेश्चन था, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी जो है यहाँ पर आंसर होगा। फिर था क्वेश्चन नंबर 11, माना एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है जिसके वाई जेड कर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, यदि एक्स टी एक्स वाई पर लंबवत है तो एक्स टी की अधिकतम संभावित लंबाई सेंटीमीटर में है, तो आंसर आया इसका ऑप्शन नंबर डी 9 सेंटीमीटर। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज एबीसी में ए बी और सी से खींचे गए लंब क्रमशः बिंदु एक्स वाई जेड पर विपरीत भुजाओं से मिलते हैं, ए एक्स बी वाई और सी जेड बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं,
यदि कोण एक्स ओ जेड इज इक्वल टू 130 डिग्री है और कोण ए और कोण सी के प्रतिच्छेदक बिंदु पी पर मिलते हैं तो कोण ए पी सी बराबर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 115 डिग्री। देखिए इन क्वेश्चन को अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर भी आपको पता है, सॉल्यूशन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप वेट करेंगे तो हम आपके लिए सॉल्यूशन लेकर जरूर आएंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, बेंगलोर में 494 छात्रों में मॉक परीक्षा दी, परीक्षा में 53% लड़कों और 79% लड़कियों ने कट ऑफ पास किया। यदि उत्तीर्ण छात्रों का कुल प्रतिशत 68% है तो परीक्षा में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 285। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि ए बी सी डी ज्यामिति अनुक्रम में है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मान होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 0 आएगा यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक है, जब अंकित मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तब लाभ पिछले लाभ से दुगना हो जाता है। यदि मूल अंकित मूल्य 450 है तो मूल बिक्री मूल्य होगा ऑप्शन नंबर ए 375 रुपए। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, एक सम बहुभुज का आंतरिक कोण उसके एक बाह्य कोण से 4 गुना से 30 अधिक है तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर बी 54 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, देखिए पी ने यहाँ पर देखिए 1,12,000 रुपए की पूंजी से एक व्यापार शुरू किया, 2 महीने बाद क्यू 80,000 रुपए की पूंजी के साथ व्यापार में मिल जाता है, शामिल हो जाता है। 2 महीने बाद आर आ जाता है, वो 72,000 पूंजी के साथ आता है और वो भी व्यापार में शामिल हो जाता है। व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद क्यू ने 8,000 रुपए वापस ले लिए और आर ने भी 8,000 निकाल लिए। यदि क्यू को एक वर्ष के अंत में लाभ में अपने हिस्से के रूप में 11,900 रुपये प्राप्त हुआ तो कुल लाभ कितना था? तो 40,800 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। फिर 18 नंबर का क्वेश्चन है, प्रियंका अजय की पोती है जिसकी शादी नताशा से हुई है। तो देखिए यहाँ पे आप ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है और मैं पूरी तरह से क्वेश्चन आपको पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि हम सॉल्यूशन देखेंगे उसमें आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सामने है और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी चाची। अब यहाँ पर देखिए कुट वाला क्वेश्चन है, एक निश्चित कुट भाषा में लुक देयर बुक्स को लामी जी एन लिखा गया है और बुक्स अवर बुक्स लुक कुट को एन एक्स जी एन मी ए के और पब्लिश देयर गुड बुक्स को एम ई एन एक्स एल ए एफ एस के रूप में कुटबंधित किया गया है, तो इसका आंसर है देखिए देयर लुक का ऑप्शन नंबर डी जी एन एल ए। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही सरल होते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको अच्छे से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक गोले की त्रिज्या और एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या बराबर है, तो सिलेंडर के आधार की त्रिज्या और सिलेंडर की ऊंचाई का अनुपात 7:9 है, तो गोले के आयतन का सिलेंडर के आयतन का अनुपात क्या है? तो 28:27 ये आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था, यदि कोई व्यक्ति 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो वह समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। वह अपनी यात्रा का 1/3 भाग और 5/9 भाग जो समय का है वो पूरा करता है। समय पर जो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए शेष दूरी को तय करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी होगी? तो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब 22 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन को देखिए आप यहाँ पे ये टेबल में दिया गया है, टेबल के रूप में कुछ इस प्रकार के डाटा है और इसका आंसर हम देखते जाते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन जो है विलोपित कर दिया गया है सीजीपीएससी के द्वारा, विलोपित कहने का मतलब क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका, इन 5 वर्षों के दौरान किस देश में खिलाड़ी ने कुल मिलाकर सर्वाधिक रन बनाए? तो ऑप्शन नंबर डी सी आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का आंसर है ये जो यहाँ पे टेबल बना हुआ है उसका। फिर देखिए पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, प्रत्येक दिन पढ़े जाने वाले पृष्ठों की डिग्री वार वितरण है ये, तो इसमें देखिए क्वेश्चन जो है दूसरे दिन और चौथे दिन पढ़े जाने वाले पृष्ठों की संख्या में क्या अंतर है? तो ऑप्शन नंबर सी 133 यहाँ पे डिग्री में दिया गया है। उन क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे टोटल कुल संख्या है पृष्ठों की 2520,
डिग्री में इसे बांट दिया गया है, 360 डिग्री होता है पूरा, ये आपको पता ही होगा। तो इसमें पूछा गया था कि चौथे दिन पढ़े जाने वाले पृष्ठों की संख्या में क्या अंतर है दूसरे दिन और चौथे दिन में। तो आप दूसरे दिन देखिए 77 और चौथा दिन जो है 58। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 133। जैसे हम डिग्री को सॉल्व करते हैं 58 और 77 में, तो 19 डिग्री आता है, और 19 डिग्री जो है 133 पृष्ठों के संख्या के बराबर है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, 5 नोटबुक और 6 पेन की कीमत 155 रुपये है। यदि एक नोटबुक की कीमत 2.5 रुपये घटा दी जाती है और एक पेन की कीमत 1.5 रुपये बढ़ा दी जाती है, तो 8 नोटबुक और 7 पेनों की कीमत 219 हो जाती है। 7 नोटबुक और 4 पेनों की मूल लागत जो है क्या है, तो 184 रुपये, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। फिर चीनी और पानी के 34 लीटर घोल में 36.4% चीनी है, उबालने के बाद उसमें से 8 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, घोल में चीनी का कितना प्रतिशत बचता है, तो ऑप्शन नंबर सी 47.6%। किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, पाइप एक्स और वाई एक टैंक को 10 घंटे में और 15 घंटे में क्रमशः भर सकते हैं, और पाइप जेड एक निकासी पाइप है, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक भरने में एक्स और वाई द्वारा एक साथ लिए गए समय से जो 2 1/3 घंटे अधिक लगते हैं, एक्स और वाई एक साथ 2 1/3 मतलब 3.5 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, तो जेड को खोल दिया जाता है, तब जेड कितने देर में टैंकी को खाली करेगा, तो 12.5 घंटे में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखिए वित्त से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया था कितना माप आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, 126 डिग्री यहाँ पे आंसर है। फिर से देखिए पैटर्न जो दिए गए थे यहाँ पे उसमें आपको बताना था, जिसे विलोपित कर दिया गया है सीजीपीएससी के द्वारा, विलोपित आप देख सकते हैं। फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है पैटर्न से संबंधित और इसमें पूछा गया था घन को बनाया जा सकता है तो किसके सहायता से, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो गया है। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप सही आंसर मार्क कर लीजिए, क्योंकि अमेंडमेंट आंसर की है ये। फिर देखिए यहाँ पे छूट से संबंधित क्वेश्चन था, एक दुकानदार ने एक वस्तु की अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक रखता है, यदि वह छूट को 6.5% से बढ़ाकर 15.5% कर देता है तो लाभ 378 रुपये कम हो जाएगा, यदि वह अंकित मूल्य पर 27% की छूट देता है तो उसे कितना लाभ होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 66 रुपये। ये भी क्वेश्चन था, इसे भी विलोपित कर दिया गया है सीजीपीएससी के द्वारा। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन विलोपित होते हैं, तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपका समय उसमें बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर विलोपित हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 था, अब यहाँ पे निष्कर्ष निकालना है, देखिए कथन और दिया गया है, तो अभी कथन ये दिया गया है और निष्कर्ष ये दिया गया है। जैसे कि देखिए कुछ चार्जर बैटरी है, कुछ बैटरी मोबाइल है, सभी मोबाइल टैब है। अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ टैब बैटरी है, सभी बैटरी मोबाइल है, कुछ टैब चार्जर है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर लिया गया है, निष्कर्ष पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 से 36 के निर्देश दिए गए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आपका दिशा से संबंधित है, किस दिशा में कितना दूरी गया और फिर वहां से कितना मुड़ गया, इस प्रकार, तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी आता है और इससे संबंधित क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 34, एच के संदर्भ में बिंदु डी की दिशा क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व। एच और एफ के बीच में न्यूनतम दूरी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 170 किलोमीटर। बिंदु जी के संदर्भ में बिंदु सी किस दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्व। दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी 70 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक संख्या को 9 से गुणा करने के बजाय 9 से भाग दे दिया जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप जो उत्तर आता है, जो त्रुटि होती है, तो इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत अंतर जो 2 दशमलव स्थानों तक सही हो वो क्या होगा। तो देखिए वहां पे गुणा के बजाय भाग कर दिया गया है, तो वहां पे पूछा था कि अंतर क्या आएगा, मतलब जो डिफरेंस आएगा आंसर में वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 98.77% का डिफरेंस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर त्रिकोणों की संख्या ज्ञात करना है,
त्रिकोण की संख्या ज्ञात करना है। त्रिकोण कहने का मतलब आपके ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे, तो ट्रायंगल निकालना है यहाँ पे, कितने ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर बी 30 ट्रायंगल निकलते हैं। कैसे निकलेगा हम उसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, कितने वर्षों में 1,25,000 की राशि 16% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1,57,464 हो जाती है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 1.5 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई है श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो ये जो दिया गया है यहाँ पर अगला नंबर क्या होगा, तो 458 ऑप्शन नंबर बी। फिर से देखिए यहाँ पर 72 लीटर पानी से भरे बर्तन में कई लीटर पानी निकाला गया, समान मात्रा में दूध बर्तन में मिला दिया गया, फिर उसे समान मात्रा में मिश्रण को निकाला गया और दूध मिलाया गया, परिणाम स्वरूप बर्तन में 32 लीटर शुद्ध पानी रह गया, आरंभ में कितना पानी निकाला गया। तो ऑप्शन नंबर डी 24 लीटर। क्वेश्चन नंबर 43 है, अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है जैसे कि 7 की पावर x+1 है माइनस 7 की पावर x-1 है इजिकल टू 2352। तो 5 की पावर 2x है, ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 15625। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 से 46 के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में 7 बॉक्स है उसको व्यवस्थित किया गया है, और किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है वो पूछा गया है, जैसे कि एन के नीचे कितने बॉक्स है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 बॉक्स है। फिर देखिए कौन सा अभिकथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी एल एकदम ऊपरी बॉक्स है। फिर यहाँ पर देखिए यदि बॉक्सों को नीचे से ऊपर तक वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से किस बॉक्स की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो ऑप्शन नंबर सी ओ। अब ये जो क्वेश्चन है आपका समलंब चतुर्भुज का क्वेश्चन है जिसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको आंसर ही बता रहा हूँ, अमेंडमेंट आंसर की बता रहा हूँ मेनली, ताकि आप अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर सही मार्क कर पाए, और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो आप समझ सकते हैं कि ये समलंब चतुर्भुज का क्वेश्चन है और इसका आंसर लिया गया है 40.5। 48 नंबर का क्वेश्चन विलोपित कर दिया गया है, देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन विलोपित हो रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 था, तो इसका अर्थ ए बी का पति है, इसका अर्थ ए बी का पिता है, और इसका अर्थ ए बी की माता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। और इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी एल टी की नानी है, ये जो है सही हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में स्प्रिंग को कुछ इस प्रकार लिखा गया है और वॉच को कुछ इस प्रकार लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में मॉडल को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को और अच्छे समझना है तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ के इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर बॉक्स दिया गया है और पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए एच को दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक है, तो एच के विपरीत कौन सा है, तो एच के विपरीत क्या है, के है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बताना है आपको बीच में कौन सी संख्या मिसिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी 224। 5 विद्यार्थी है, अलग अलग है, अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, अलग अलग विषय है, तो इसे आपको मैच करना है किसका कौन जिसको कौन सा विषय पसंद है। तो यहाँ पर देखिए किस विद्यार्थी को गणित विषय पसंद है, तो ऑप्शन नंबर बी क्यू। फिर देखिए 54 से लेकर 55 तक, अब इसमें दिया गया है देखिए 6 व्यक्ति है उसकी लंबाई है, अलग अलग लंबाई है, तो वो बताना है यू से लंबे कितने लोग हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 2 लोग। एक्स की संभावित लंबाई क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए 178 सेंटीमीटर। 56 से 58 नंबर का निर्देश देखिए क्वेश्चन को, देखिए दो दो क्वेश्चन दे रहे हैं, कितना टाइम जाएगा आपको सॉल्व करने में, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, देखिए आप इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसको आप समझेंगे अच्छे से समझ कर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे और आपको मिलेगा सिर्फ 2 क्वेश्चन, तो कितना ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी पे ज्यादा फोकस करना है सी सेट को निकालने के लिए, इस बात को ध्यान रखिए। विषम का पता लगाएं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा वाई। फिर यहाँ पर देखिए आर के दाएं बैठे लोगों की संख्या खालिस्तान के दाएं बैठे लोगों की संख्या के समान है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए पी यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे डब्ल्यू आर से संबंधित है, यदि टी एक्स से संबंधित है तो उसी रूप में निम्न में से कौन पी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी वी।
अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है। अब इसके लिए भी निष्कर्ष निकालना है, अभी कथन दिया गया है, निष्कर्ष निकालना है। कुछ शर्ट पैंट है, कुछ पैंट जीन्स है, सभी जीन्स परिधान है। तो कुछ परिधान शर्ट है, कुछ परिधान जीन्स है, कुछ जीन्स पैंट है। इसका आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ निष्कर्ष दो और तीन अनुसरण करते हैं। फिर देखिए उस विकल्प को चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या संबंधित है। तो जैसे 8 448 से संबंधित है, 13 जो है 2028 से संबंधित है। अभी बॉक्स रहता है, इसमें मिसिंग नंबर आपको बताना रहता है कि मिसिंग नंबर कौन सा है। तो इसमें देखिए आंसर नंबर एक यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 172। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है विलोपित कर दिया गया है, यहाँ पर शब्दों का जो है अक्षरों का समूह था जिसे विलोपित कर दिया गया है। जिस प्रकार ये आया है इसका क्या आएगा, विलोपित कर दिया गया है। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में आपका ज्यादा टाइम जा रहा है और आंसर नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि उस क्वेश्चन को घुमाने के लिए दिया गया है और बाद में जाकर वो क्वेश्चन विलोपित हो सकता है। फिर देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन को आप एग्जाम में पढ़ेंगे फिर उसका आंसर निकालेंगे काफी टाइम जाएगा। तो आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको और किसको लास्ट में सॉल्व करना है। जैसे कि इसमें पूछा गया सिमरन के आमने सामने कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी राजन। फिर यहाँ पर देखिए निष्कर्ष वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, कुछ बाइक कार है, कुछ कार बस है, सभी कारें वाहन है। तो कुछ वाहन बाइक है, कुछ बस वाहन है, कुछ वाहन कार है। निष्कर्ष आया ऑप्शन नंबर डी, सभी निष्कर्ष 1, 2, 3 अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं हम लोग, 6 लोग हैं, इसमें 6 लोग के बारे में बताया गया है। फिर देखिए 1995 से 2000 तक अलग अलग ये पैदा हुए हैं। अब इसी में पूछा जाएगा कि आपका जन्म कब हुआ है, तो किसका जन्म कब हुआ है, किस वर्ष में हुआ है। तो जन्म वर्ष 1998 में हुआ, तो खुशी का। फिर यहाँ पे एक्सप्रेस को 92 लिखा जाता है, फीलिंग को 44 लिखा जाता है, तो इमोशन का कोड क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 77 होगा। एक निश्चित कूट भाषा में टीन को वाई एन और रिमाइंड को डब्ल्यू एन डब्ल्यू लिखा जाता है, तो उसी भाषा में लेफ्ट को कैसे लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्यू जेड। अभी लास्ट क्वेश्चन है आपका मैथ्स और रीजनिंग का, याद रखिएगा 68 क्वेश्चन पूछा गया था मैथ्स और रीजनिंग से और 32 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके हिंदी और छत्तीसगढ़ी से। तो 68 वाला नंबर जो है लास्ट वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए 26.72%। ये जो है आपका किससे संबंधित है, देखिए यहाँ पे क्रय विक्रय से संबंधित क्वेश्चन है। अब इधर से आ गया आपका छत्तीसगढ़ और आपके हिंदी का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी और हिंदी का क्वेश्चन। तो इसमें सही जोड़ी मिलाना था, देखिए यहाँ पे दिया गया है चरु चरोहन चरोटा चरागन। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी चौथा पहला तीसरा दूसरा, चौथा पहला तीसरा और दूसरा। तो चरु का छोटे मुंह का लोटा, फिर चरोहन का चौर धोए पानी, और चरौटा का एक प्रकार की भाजी, और चरागन का गाय बैल के चारा के जगह। तो यहाँ पर इस प्रकार मैच हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ी शब्द नपल्ली का क्या अर्थ है, देखिए नपल्ली किसे कहते हैं पूछा गया था, तो चिपकल्ली को, ऑप्शन नंबर डी जो है चिपकल्ली नपल्ली। ठीक है, ये चीजें आपको आसानी से बन जाएगी क्योंकि आप लोकल हम छत्तीसगढ़ के हैं तो ये तो आपको पता ही रहता है। हाँ कुछ क्वेश्चन पता नहीं रहता पर ज्यादातर हमें पता ही रहता है, जैसे बगई काटना छत्तीसगढ़ी मुहावरा के मतलब क्या होते, तो ऑप्शन नंबर सी व्याकुल होना। जतर खतर छत्तीसगढ़ी शब्द के व्युत्पत्ति कौन तत्सम ले हो है, तो ऑप्शन नंबर सी यत्र तत्र। लोकढ़िन कौन ला कही थे, लोकढ़िन जो है दुल्हिन के सेवा बर संग मां पठोए सहिका, सहिका जो रहते हैं ना वो रहता है। यहां पर देखिए 74 नंबर का क्वेश्चन, सही जोड़ी को मिलाना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ताशा, ताशा जो है आपका वाद्य यंत्र है। भोजली क्या है, तो लोक देवी के लिए जो होते हैं अब जानते हैं, भोजली तो सभी जानते हैं लोक देवी। पंवारा जो है वो आपका गायन शैली है, और हथफोड़वा, हथफोड़वा क्या है एक पकवान है, इस प्रकार मिलान हो जाएगा उसका। ए डहर, तो देखिए कौन क्रिया विशेषण हवा है ए डहर में, तो दिशा वाचक, ए डहर जाना है, वो डहर जाना है, इस तरह के हम शब्द बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ी शब्द
अतलंग के का मतलब होते हैं? तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बदमाशी। एक मिनट हम इस तरफ देख लेते हैं, इस तरफ जो क्वेश्चन थे वो छूट गया है। देखिए उज्बक, उज्बक शब्द छत्तीसगढ़ी में तो कौन भाषा ले आया है, तो तुर्की भाषा से। जरूरत से ज्यादा बुलाइया बर जोन छत्तीसगढ़ी शब्द हवे वो हवे कौन सा है, लपरहा। एक ठन आमा के 100 लबेदा का हाना जो है उसका अर्थ बताइए। तो एक ही सामान के ज्यादा मांग होना, इसका तो हम देख लिए अतलंग का बदमाशी। दूसर गांव के यात्रा मा जवैया मनखे बर, तो ऑप्शन नंबर सी गांव तरीहा छत्तीसगढ़ी शब्द है इसका। 127 ला छत्तीसगढ़ी मा कैसे गिनबो, सात आगर छह कोरी, सात आगर छह कोरी। श्राद्ध क्रम करैया ब्राह्मण ला का कहते, घोघिया पठारी। रानी कीरा होना छत्तीसगढ़ी मोहरा का मतलब है, तो ऑप्शन नंबर डी सुख सुविधा में पलना। अंडा बन मा बिर्रा बाघ, हाना का सही अर्थ है अपन ला बड़े समझना। देखिए ये सारे जो आंसर मैं बता रहा हूँ सीजीपीएससी के द्वारा लिया गया आंसर है, और अमेंडमेंट आंसर है, अंतिम आंसर है ये, संशोधित वाला अंतिम आंसर। अब इसमें सूची मिलाना है। देखिए तो जलज, जलज का कमल, जलद का बादल होता है, और जल्दी का समुद्र होता है। 83 नंबर का क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ भी सूची मिलाना है। तो फिलहाल इसको देख लेते हैं हम लोग। लिंग वचन पुरुष कारक आदि की वजह से विकार या रूप परिवर्तन को देखने को नहीं मिलता, उन्हें क्या कहते हैं, अवयव। ऑप्शन नंबर ए अवयव। यहाँ देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा डायरेक्ट यहाँ पे मैच होगा। करुणा तो दूसरे का दुख देखकर पिघल जाना, संवेदना दूसरे के दुख गहरा प्रभाव पड़ना, दया दूसरे के दुख को देखकर उसे दूर करने की स्वाभाविक इच्छा, कृपा जो है अपने से छोटों के दुख को देखकर उसे दूर करने की सक्रिय इच्छा। अब देखिए क्वेश्चन था ये, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य को सार्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यह कलम राम की है। 89 नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी मैच करना है, और 91 का क्वेश्चन यहाँ भी मैच करना है। तो हम देख लेते हैं आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए कक्ष का जो है आपका जातिवाचक संज्ञा होगा, कक्षा जो है वो समूहवाचक संज्ञा होगा, सजावट जो है आपका भाववाचक संज्ञा, और महाभारत जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर देखिए हरि का शेर से मैच किया गया है, नाग का हाथी से मैच किया गया है, आपका जल से, और शून्य का आकाश से, कुछ इस प्रकार से इसमें मैच किया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द पुल्लिंग है, नाखून जो है पुल्लिंग शब्द है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर आजकल हम जिस हिंदी शब्द को लिखते बोलते हैं उसकी प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट कहा जाता है। इस अवहट के उद्भव का सही क्रम है, देखिए संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अवहट। तो अवहट जो है यहाँ पे उसका उद्भव जो है इस प्रकार है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93 को विलोपित कर दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए जैसे किस प्रकार दिया गया है, नाक कटना तो बेज्जती होना, नाक रख लेना तो प्रतिष्ठा की रक्षा कर लेना, नाक में दम होना तो घनिष्ठ मित्र होना, नाक का बाल होना तो ये जो है बहुत परेशान होना। व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है, तो कल उस बुढ़िया के प्राण निकल गए, ये जो है ये शुद्ध वाक्य है। अमूल्य शब्द का पूर्ण सही अर्थ होगा, जिसका मूल्य आंका ना जा सके वो अमूल्य है। अब इसमें देखिए क्रम बताना है, कंगन कर्म काम क्रम, ये जो है कुछ इस प्रकार है, क वर्ण का आपको क्रम बताना था। फिर यहाँ पे फिर से सही जोड़ी है, देखिए लता जो है तत्सम शब्द है, पत्ता जो है वो आपका तद्भव शब्द है, जूता जो है आपका देशज शब्द है, और गुलाब जो है विदेशज शब्द है। फिर से यहाँ पे मैच करना है। देखिए यहाँ पे महोदी जो है वो किससे मैच हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास से। वीणा पाणी की बात करिए तो ये आपका बहुव्रीहि समास है, यथा योग्य की बात करिए तो ये आपका अव्ययीभाव समास है, और विद्यालय की बात करिए तो ये आपका तत्पुरुष समास है। तो कुछ इस प्रकार मैच हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। राम अपनी माँ के साथ बनारस जाने की नई योजना को पूरा कर दिया है, तो यहाँ पर बोला है कि कौन सा कालखंड गलत है।
तो केवल वाक्य खंड एक गलत है बोला है। तो ये जो है पहला राम अपनी माँ के साथ, तो ये जो है यहाँ पे गलत है बताया जा रहा है, जो सीजीपीएससी के द्वारा आंसर लिया गया है उसमें। तो ये जो है आपके सी सेट के क्वेश्चन और आंसर। अब सोचिए क्वेश्चन और आंसर मैंने बताया तो इतना लंबा वीडियो हो गया, अगर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताता तो कितना लंबा वीडियो होता। इसीलिए हम सॉल्यूशन का वीडियो अलग से लाएंगे। फिलहाल ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप सीजीपीएससी की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा सीजीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न, उसमें आपको 2015 से लेके 2023 तक के सीजीपीएससी के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपकी स्टेट सर्विस एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।